हर हर महादेव। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे एक छोटे से उपाय के 3 लाभ क्या मिलेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पित्र पक्ष में रोज़ एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको उसके 3 लाभ मिलेंगे एक उपाय के, और पितृ देव देंगे आपको भरपूर आशीर्वाद। बहुत सरल छोटा सा उपाय है। जिस घर में पितृ अपना आशीर्वाद देते हैं उस घर में खुशियां हमेशा भरी रहती हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं अपने वंशजों से, वहां माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए इस पितृपक्ष ये मौका ना जाने दें। 1-2 दिन निकल गया कोई बात नहीं, जिस दिन आपको ये वीडियो मिले उसी दिन से शुरू कर दें तो आपके पितृ आपको अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, इसको चूक है ना। अगर आपने इस 15 दिन में पितृपक्ष के 2 भी ये उपाय कर लिया तो आपके पितृ सदैव के लिए तृप्त हो जाएंगे। कभी आपको पितृ दोष का नहीं बनना पड़ेगा भाजन, पितृ दोष आपसे दूर रहेगा तथा पितरों की आपको मिलेगी प्रसन्नता। चलिए जानते हैं। जानने से पहले भोलेनाथ के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करें, भोलेनाथ के चरणों में सब्सक्राइब करके लाइक समर्पित करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोज भी देखें, शॉर्ट्स भी देखें और हमारे लाइव भी देखें। रामायण और भागवत के पितृ पक्ष में रामायण और भागवत सुनने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, 1000 गुना प्रसन्नता पितरों को मिलती है यदि आप रामायण भागवत सुनते हैं, और पितृ दोष इससे भी मुक्त होता है। चलिए जानते हैं आपको प्रतिदिन क्या करना है जिससे पितृ देव इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां भी धन खर्च करेंगी तो धन खर्च नहीं कर पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में जहाँ पानी रखते हैं, जिससे आप अपने कुकिंग के लिए पानी यूज करते, भोजन बनाने के लिए या पीने के लिए मटके में रखते हैं या बकेट में रखते हैं, जिसमें भी रखते हैं आप, उसी से 1 तांबे के लोटे में जल भर लें, फिर उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। अब इस जल को परिवार का मुखिया, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है उसको लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना चाहिए। साथ में यदि आपने कनेर के 2 पुष्प और ले लिए तो फिर आपकी ये समझ लो कि भोलेनाथ की इतनी प्रसन्नता मिलेगी कि आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपको क्या दे दिया भोले भंडारी ने। कुबेर का खजाना भी दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसको आप कैसे चढ़ाएंगे। उसमें काले तिल आपने डाल लिए हैं, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और अच्छा, और वो अपने रसोई घर से ही उस पानी को ले जाएं, टेप से ना निकालें जो भरा रखा है, चाहे घड़े में या बाल्टी में, जिससे आप भोजन पकाते हैं मेनली उसी पानी को ले जाएं। शिव के मंदिर में जा कर के शिव को उस जल को समर्पित कर दें, काले तिल उसमें पड़े ही हैं अपने पितरों के नाम से, और पितरों को स्मरण करते हुए आप साथ क्या, आप 700 पीढ़ियों के भी पितरों को भी अगर आप याद करेंगे तो उनका भी तर्पण उस 1 लोटे जल से हो जाएगा। तो आप अपने पुराने पीढ़ियों के पितरों को याद करके उनके नाम से जल समर्पित कर देंगे। हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हो भोलेनाथ पर। उसके बाद आप 2 कनेर के पुष्प समर्पित करके चले आइए। एक और उपाय बताते हैं। शाम के समय आप यदि कर पाए तो 1 सरसों के तेल का दीपक ले जाना है, इसमें घी का दीपक आपको नहीं ले जाना है, और उसमें थोड़े से काले तिल डालकर आप इसको महादेव के मंदिर में शाम को रखाएंगे, उनकी
जो देहरी घुसने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक को जलाकर रख देना है और हर हर महादेव बोलकर शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पितरों का नाम लेकर के 7 पीढ़ी की या 700 पीढ़ी के जितने पितरों का आप नाम लेना उनका नाम लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इस दीपक को जला दें। उसके बाद बड़ी शांति से घर में लौट आएं। आप देखेंगे कि आपको उसी दिन से जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आपको अपने घर में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र आने लगेंगे और आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको कई आइडियाज आएंगे जिससे आप धन प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और छोटा सा उपाय घर में भी करें, एक कपूर को घी में डुबोकर कम से कम 1 या 2 टिकिया प्रतिदिन पितरों के नाम की जला दें और फिर घी में ही डुबोकर 2 फूल वाले लौंग, साबुत लौंग 2 ले लें जिनमें फूल लगा हो और उनको भी उस कपूर के ऊपर रखकर जला दें। पूरे घर में इस कपूर लौंग का धुआं घुमा दें। कपूर जो है वह शुभता का प्रतीक है और लौंग है वह शक्ति का प्रतीक है। कपूर महादेव का भी प्रतीक है और लौंग शक्ति का स्वरूप है, माता पार्वती का। इससे आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी का संचार होगा और सबका मन इतना ऊर्जावान रहेगा कपूर जलाने से, लौंग जलाने से, कि सबका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। सब अपने काम में पूरा मन लगा कर करेंगे काम तो सारे काम बनते चले जाएंगे आपके घर में। अब जो 1 लोटा जल आप सुबह भगवान पर चढ़ा कर आएंगे, काले तिल डालकर रसोई से लेकर के जल, उसके आपको 3 लाभ मिलेंगे। पहला लाभ मिलेगा आपको, आपके पितर तृप्त होंगे, जो अगली 7 पीढ़ी तक आपकी पीढ़ियां प्रसन्न रहेंगी, इतना आशीर्वाद देंगे। दूसरा आपको इसका लाभ मिलना है कि आपको कभी काल सर्प दोष का भय आपको नहीं रहेगा। और तीसरा इसका उपाय जो लाभ मिलना है आपको, वह लाभ ये है कि आप भगवान भोलेनाथ की भरपूर कृपा प्राप्त करेंगे और कभी भी आपके घर से माता लक्ष्मी नहीं रूठ कर जाएंगी। क्योंकि जहाँ भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं, कुबेर का खजाना खोल देते हैं, तो माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होकर फिर वहाँ पर रहती हैं। और तीसरा लाभ यही है कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ये छोटे छोटे से उपाय जीवन को बदलने वाली कौड़ियों की तरह होते हैं जो जब कब सीधी पड़ जाएं आप खुद नहीं जान पाएंगे, उसके पासे की तरह। इसीलिए छोटे मोटे उपाय करते रहना चाहिए जीवन में। प्रसन्नता जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और जो जितनी प्रसन्नता से इस उपाय को करेगा, श्रद्धा भाव से करेगा, उतना ही फल उस व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि पितर साल भर में सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं। 15 दिन में अगर आप 1-2 बार भी इस उपाय को कर लेंगे तो वह बहुत प्रसन्न होंगे कि उनके वंशजों ने याद रखे हुए हैं और सुमिरन करते हैं। तथा घर में दक्षिण दिशा में आप एक दीपक शाम को अवश्य जला दें। ये पितरों की दिशा मानी जाती है और सुबह पितरों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वही वहाँ से ही जल ले लें। आप रसोई से जो यूज़ करते हैं उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को सुमिरन करके उस जल को समर्पित कर दें। आपका घर देखते देखते धन से भर जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। जय माता।